मुझे इम्यूनोडॉक दिया था मेरी एलर्जी के लिए, जो एलर्जी की ठीक होने के बाद में सर ने फिर मेरा काफी फॉलोअप किया, बोले सर आपकी एलर्जी ठीक हो गई तो लोगों को भी बताओ, लेकिन कई चीजों का डर था तो शुरुआत करने में थोड़ा सोचने में टाइम लिया 2 महीने का। दयाल सर, मोलजी सर और आम्या जी सर के माध्यम से 2 महीने तक लगातार फॉलोअप के बाद में शुरुआत हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इस बिजनेस में आया था तब तक मैं अगर छोटे मोटे सारे धंधे कर करके उसमें फेल हो के 16 लाख रुपए के कर्जे में आ गया था। शुरुआत करने के कुछ ही टाइम बाद में पहले पोलियो तो था ही पैरों में, और इस AWPL में आने के 6 महीने बाद में एक्सीडेंट और हो गया, जिससे ये घुटना और ये कुल्हड़ टूट गया और अभी भी मेरी वही कंडीशन है। और अभी मैं 1 महीने 2 महीने बाद में ऑपरेशन कराऊंगा। जुनून इतना था कि मतलब मैंने डॉक्टर ने साफ बोला था ऑपरेशन तो हर हालत में करवाना ही पड़ेगा, चाहे आप कभी भी करवा लो, लेकिन मकसद एक ही था कि जैसे सर बोलते हैं ना कि सब काम रोक दो टारगेट ठोक दो, ऐसे कुछ डायलॉग होते हैं, तो मेरा एक ही मकसद था कि डायमंड बन के ही ऑपरेशन कराऊंगा, तब पहले नहीं कराऊंगा। तो अभी मुझे गुरुजी की तरफ से परमिशन मिली है कि अब आप करवा सकते हो, तो अभी नेक्स्ट महीने में ये कर्म करवाऊंगा। इसके बाद में आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बहाने होते हैं, छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव भी होते हैं। आज एक लैब चलाने का बहाना लीडर है, आपके सामने बात करने में कोई झिझक नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये रोना होता है कि सर मेरी एक लैब नहीं चल रही, सीनियर मेरी एक लैब नहीं चल रहा। और मैं गुरु जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे दोनों लेग चलाने का मौका दिया, दोनों लेग अपने दम पर, दोनों साइड में। इसके बाद में आर्थिक संकट मैंने आपको बता ही दिया, ये हालत थी कि 16 लाख रुपए आदमी कर्जा चुका है, ब्याज चुका है, 32,000 तो ब्याज हो जाता है हमारे अस्पताल में 16 लाख का, मूल चुका है या मैं खुद का अपना खर्चा चलाऊं, घर में किसी का सपोर्ट नहीं, अकेला में सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए ये काम किया। पहले राजस्थान में किया, इंसेंटिव चलाया, और इंसेंटिव जब काफी थोड़ा आगे निकला तो फिर मैं और गजानंद सर सूरत के लिए निकले। और मैं आपको बताऊं 6 महीने एक ज्वाइनिंग आए बिना हमने लगातार वहां काम किया, घूमते रहते थे, कभी चाय पीते, कभी जूस पीते, कभी डूमस उभराट बीच पर भी इधर भी घूमने निकल जाते, मतलब हम प्रोस्पेक्टिंग में लगे रहते हैं। और कई बार ऐसी तंगी आ जाती है कि मतलब अब तो मजबूरी है कि ना पेट्रोल का है ना शाम को खाने का है, तो फिर हम डेंटो बेचने भी निकलते हैं, 2-4 घंटों में 8-10 डेंटो बेच ले तो 2-3 दिन का जुगाड़ हो जाता था। शर्म तो बहुत आती थी लेकिन मजबूरियां भी। फिर ऐसा करते करते फिर जैसे ही बिजनेस हमारा शुरुआत हुआ 6 महीने बाद में हमें एक ज्वाइनिंग मिली एक चाय वाले के माध्यम से, और उनके माध्यम से फिर हमें एक दूसरे चाय वाले मिले जो परवीन सर है, गुजरात से हमारे बीच में ही है, आज सफाई लीडर है वो, तो उनके माध्यम से फिर और फिर काम करने का मौका मिला। इस तरह से काम करते गए, जैसे ही बिजनेस की अच्छी सी शुरुआत हुई लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में सब लोग हड़बड़ा गए और सब अपने अपने गाँव आने लगे, हमें भी बहुत सारे मैसेज आने लगे, बोले गांव आ जाओ गांव चले जाओ, लेकिन दिक्कत एक ही थी कि बिना पैसे अगर हम गांव जाएंगे तो उससे अच्छा यही मर जाएंगे। तो क्योंकि मेरी हालत ऐसी थी कि कर्जा था, घर वाले कोई पूछते नहीं थे, और रिश्तेदार सब उनको पता था कि इसका कॉल उठाया तो कहीं ऐसा ना हेल्प मांग ले, तो इस तरह से करके कोई हुआ थी तो मैंने सोचा कि गांव नहीं जाएंगे, अगर मरना होगा तो यहीं मर जाएंगे। और गांव चले भी गए तो फिर बिना जेब में 1 रुपए के अगर गांव बैठे रहेंगे तो वो भी मौत से कम नहीं। इस तरह से हमने संघर्ष झेला, और फिर वहां लॉकडाउन में भी हमने गलियों से निकल के इधर उधर बच के शुरुआत करी, वहां काम सेटअप किया। इसके बाद में उज्जैन भी आया, मैं अभी देवास रह रहा हूँ, इसके बाद में फिर इंसेंटिव देखा, तो सारी चीजें कर्जा होना, शारीरिक स्थिति ठीक होना नहीं होना, लोग नहीं होना, बोलते हैं कि लिस्ट नहीं है, हमने बिल्कुल अननोन लिस्ट पे काम किया। आज मेरे गांव से मेरे साथ एक भी ज्वाइन नहीं है, मेरे परिवार से मेरे साथ एक भी ज्वाइन नहीं है, मेरा दोस्त रिश्तेदार कोई मेरे साथ ज्वाइन नहीं है। सारी मेरी जितनी भी टीम है मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सबका प्यार और सहयोग भी हमारे साथ हमेशा बना रहा, आप लोग मोटिवेट करते रहे, बोले सर आपकी फोटो दिखा के हम कई बार प्रमोशन करते हैं, तो मैं एक चीज सोचता था यार लोग मुझे इतना प्रमोट करते हैं तो मैं घर कैसे बैठ सकता हूँ, तो ऐसी सारी चीजें होती थी, टीम के लिए भी काम करना पड़ता था, तो टीम लिस्ट नहीं होने के बावजूद हमने काम किया। आज लिस्ट का बहुत सारे लोगों को रोना होता है कि यार लिस्ट नहीं है मैं किसको बताऊँ,
हम अभी भी नई लिस्ट पे काम करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। दोस्तों दिक्कतें बहुत आई, बहुत बार रोया, अकेले में रोया, एक दो बार टीम के सामने भी रो दिया। और ज्यादा सर ये बोलते थे, सर हम तो आपके भरोसे आए हैं, आप ही रो दोगे तो हमारा क्या होगा। हालत इतनी खराब थी, गुरुदेव का कभी भी फोन आता तो रोना आ जाता था। दयाल सर को, मोदी सर को बोलते थे, सोन जी से मैं क्या बात करूँ यार, जब भी बात करता हूँ वो तो रो देते हैं। दिक्कतें इतनी थी, आप भी जानते हो, रोना कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरियाँ इतनी, दिक्कत इतनी, खाने को पैसा नहीं। अभी गुरु सर बता रहे थे कि सिख लोग गुरुद्वारे में फ्री करते हैं, तो हमने भी एक महीना गुरुद्वारे में फ्री खाना खाया। स्वामीनारायण मंदिर है बारडोली में, एक टाइम का खाना हमने वहाँ भी खाया एक महीने। इतनी मजबूरियां, मतलब या तो भर जाओ या कुछ कर जाओ, ये वाली परिस्थिति थी। और सोचा भी कई बार कि यार जिंदगी खत्म कर ले, लेकिन नहीं, ये विचार था कि एक कदम और, एक प्रयास और करेंगे, एक प्रयास और करेंगे। और मैं तो ये देखूंगा कि मेरे मेंटल मजबूत नहीं होते और ये सिस्टम मजबूत नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। सर ने, दयाल सर ने, जयसाराम सर ने मेरा हर जगह सपोर्ट किया, हर कंडीशन में सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि मतलब आर्थिक सपोर्ट ही हो, लेकिन इनका फिजिकली सपोर्ट और सारे चीज़ें, छोटी छोटी कभी जरूरत पड़ी हेल्प भी करी, पैसों की मदद भी करी और सारी चीज़ें करी, जिसकी बदौलत आज यहाँ हूँ। हाँ, मैं फील्ड में दिन रात भागता हूँ, मेहनत करता हूँ, 600 किलोमीटर का सफर में 12 घंटे में तय कर लेता हूँ। मैं फेसबुक पे डालता भी हूँ कई बार, जब निकलता हूँ और पहुँचता हूँ, और 900 किलोमीटर मतलब कुचामन से सूरत तक पहुँचना, ये स्कूटी से सफ़र करना, जो तीन टायर जो लगे होते हैं ना, जो गार्ड बनाया होता है स्कूटी का, उससे मैं सफ़र कर लेता हूँ। नैनीताल तक भी, अपने जिम कॉर्बेट भी मैं स्कूटी से गया हूँ, आगरा ग्वालियर हर जगह घूम लेता हूँ। ये सब मेरी मजबूरी है, ऐसा नहीं है कि मेरा शौक है, लेकिन ट्रेन में, बस में चढ़ने में उतरने में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बाथरूम वगैरह जाने में और में, तो मैं खुद का व्हीकल लेके निकलता हूँ ताकि मुझे कहीं कोई दिक्कत ना आए। इस सारी चीज़ों के करने के बाद में अगर मान लो मेरे साथ काम हो सकता है तो प्लेटफॉर्म वही है, प्रोडक्ट वही है, सीनियर वही है, सारी सिचुएशन आपके साथ वही है, और कहीं ना कहीं आप मेरे से बेटर हो, स्मार्ट भी हो, फिजिकली भी फिट हो। तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज की ट्रेनिंग लेने के बाद में और कल यहाँ से फ्री होने के बाद में ज़िंदगी में ये मत सोचना आप कभी कि मैं नहीं कर सकता। आप मुझे देख के याद कर लेना, कभी भी कोई नेगेटिव दिमाग में आए आपको तो आप देख लेना कि यार ऐसा इंसान कर सकता है तो मैं तो उससे तो कहीं बेटर हूँ।